एक बेटी के लिए उसके पापा सुपर हीरो होते हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है, जिसे जानकर आपकी भी रूह कांप जाएगी। लखनऊ के मोहनलालगंज क्षेत्र से एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जिसने पूरे इलाके को स्तब्ध कर दिया। जहां एक पिता पर अपनी 14 साल की बेटी की संदिग्ध परिस्थितियों में हत्या कर उसके शव को घर में ही दफनाने का आरोप लगा है, और इस जघन्य अपराध के पीछे की वजह जानकर लोग सन्न रह गए। पिता राम संजीवन को अपनी बेटी के फोन पर किसी से बात करने की आदत से बेहद नाराजगी थी। छोटी सी बात को लेकर उसका गुस्सा इस हद तक बढ़ गया कि उसने अपनी मासूम बेटी की जान ले ली। बेटी की मौत के बाद पिता ने घर के अंदर ही कब्र खोदी और शव को नमक डालकर दफनाया, ताकि शव जल्दी सड़ सके। घटना का खुलासा तब हुआ जब पूरी घटना से अनजान माँ अपनी बेटी को तलाश रही थी। काफी तलाशने के बाद भी जब बेटी का पता नहीं चला, तो मृतका की मां ने अपनी बेटी को गायब पाकर पुलिस में शिकायत दर्ज कराई। जब पुलिस की जांच के दौरान इस भयावह घटना का पर्दाफाश हुआ, तो मृतका की मां के पैरों तले जमीन खिसक गई। पुलिस ने राम सजीवन को हिरासत में लेकर घर के अंदर खोदी गई कब्र से शव बरामद किया। बेटे के पूछताछ में पुलिस को कई अहम सुराग मिले हैं, जिससे सच्चाई सामने आई है। पुलिस तफ्तीश में नया मोड़ सामने आया है। पता चला है कि किशोरी का शव घर में दफनाने से पहले आरोपी किसान ने अपने बेटे को भी चाकू दिखाकर धमकाया था। किसान के बेटे ने जब अपनी बहन को मृत अवस्था में घर में पड़ा देखा, तो उसने पिता से पूछा था कि ये मौत कैसे हुई। इस पर उसके पिता ने चाकू दिखाते हुए धमकी दी थी कि अगर किसी को बताया तो उसे भी मार देंगे। इंस्पेक्टर मोहनलालगंज आलोक कुमार राव ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की जांच की जाएगी। अभी आरोपी पिता को हिरासत में लेकर पूछताछ जारी है। दिनांक 3 जून 2024 को सुनीता पत्नी संजीवन लाल द्वारा एक सूचना दी गई कि उनकी 14 वर्षीय नाबालिग पुत्री गुमशुदा है। इस सूचना का तत्काल संज्ञान लेते हुए थाना मोहनलालगंज पुलिस द्वारा एक सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया। अभियोग पंजीकृत करने के बाद जब जांच पड़ताल शुरू करी गई, तो प्रकरण संदिग्ध लगने पर पुलिस द्वारा परिजन और आसपास के ग्रामवासियों से पूछताछ करी गई। पूछताछ में ये तथ्य सामने आए कि जो उनकी 14 वर्षीय पुत्री थी, उसकी संदिग्ध हालात में मृत्यु हो गई है, और उसके शव को उसके पिता संजीवन लाल द्वारा ही घर में ही अपने घेर में गाड़ रखा है। इस घटना का संज्ञान लेते हुए पुलिस द्वारा नियमानुसार तरीके से एग्जुमेशन की परमिशन ली गई, और मजिस्ट्रेट की उपस्थिति में शव का एग्जुमेशन आज कराया गया, जहां उनकी 14 वर्षीय पुत्री का शव बरामद हुआ है। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम और फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट के हिसाब से अग्रिम विधिक कार्रवाई की जाएगी। हालांकि पूछताछ में राम सजीवन का कहना है कि पत्नी मार्च में झगड़ा कर मायके चली गई थी। 5 मई को बेटी फोन पर एक लड़के से बात कर रही थी, इसलिए उसने पीटा था। इसके बाद बेटी ने फांसी लगा ली थी। बेटी की मौत से डर गया था और इसलिए शव पशु बाड़े में दफना दिया था। इंस्पेक्टर ने बताया कि ऑनर किलिंग के बिंदु पर भी जांच की जा रही है। मोबाइल में मिले नंबर के आधार पर लड़के को भी बुलाकर इस संबंध में बातचीत की जाएगी। तो वहीं इस घटना ने समाज में पारिवारिक संबंधों और विश्वास के प्रति एक गंभीर सवाल खड़ा कर दिया है। ये घटना एक चेतावनी है कि हम अपने गुस्से और नफरत को किस हद तक बढ़ा देते हैं, जिससे निर्दोष लोगों की जान चली जाती है। इस दिल दहला देने वाली घटना ने पूरे इलाके को हिला कर रख दिया है। लोगों के मन में एक सवाल उठ रहा है कि आखिर किस तरह की परिस्थिति में एक पिता अपनी ही बेटी की जान ले सकता है। हालांकि पुलिस इस मामले में जांच कर रही है कि क्या किशोरी ने फांसी लगाकर आत्महत्या करी या फिर ऑनर किलिंग का मामला है। मृतका की मां को पुलिस ने आश्वासन दिया है कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद कठोर कार्रवाई की जाएगी। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।